दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज दोस्त फुल एचडी में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम पढ़ेंगे दोस्त। तो देखिए दोस्त, अभी जो पढ़ाएंगे अगर उसमें किसी तरह को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा 8986739172। अब आइए दोस्त हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंपाउंड है आपका दोस्त HCHO। देखिए दोस्त, एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं। यहां पर लिखिए दोस्त फोरम, और यहां पर CHO को हम लोग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यहां पर फोरम में लगा दिए एल्डिहाइड। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड पे आते दोस्त, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए दोस्त, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं। तो यहां पर लिख दिए दोस्त एसिड। CHO फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहां पर लिख दिए दोस्त एल्डिहाइड। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है दोस्त CH3CH2CHO। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तो तीन कार्बन को कॉमन नेम में प्रोपियोन बोलते हैं। यहां पर लिखिए दोस्त प्रोपियोन। और CHO फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं। यहां पर लिखिए दोस्त एल्डिहाइड। तो तीन कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोनल डिहाइड बोलते हैं। अब दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। यहां पर देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेनों में मैंने एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन। देखिए दोस्त, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो इसको बोलेंगे ब्रांच चेन। ये ब्रांच चेन और मेन चेन, यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, तो सेम के लिए लिखते दोस्त आइसो। यहाँ पर लिख दिए हम आइसो। अब यहाँ पर दोस्त कॉमन नेम में हम लोग टोटल कार्बन को गिनते हैं, एक दो तीन चार, तो टोटल कार्बन चार है, तो चार कार्बन को कॉमन नेम में ब्यूटायर बोलते हैं। तो यहां पर लिखिए दोस्त ब्यूटायर, ब्यूटायर। और यहां पर दोस्त CHO फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं। यहां पर लिखिए दोस्त एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका दोस्त आइसोब्यूटायरल डिहाइड। और दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH3CH2CH2CH2CHO। यहां पर दोस्त एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन, तो पांच कार्बन को कॉमन नेम में भैलेर बोलते हैं। यहां पर लिखिए दोस्त भैले। और यहां पर लिखिए दोस्त CHO फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं। यहां पर लिखिए दोस्त एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका भैलेरल डिहाइड। और दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन क्या बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। यहां से एक हाइड्रोजन हटाए, यहां पर लगा दिया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो जब विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में एक्रोलीन बोलते हैं, एक्रोलीन। यहां पर लिखिए दोस्त एक्रोलीन। तो दोस्त एक था भाई जिसका याद मुझे है आई, वो भी जवाना था और ये भी दोस्त एक जवाना है। तो हम दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम एरोमेटिक कंपाउंड का कॉमन नेम पढ़ते हैं। योग्य हमारे दोस्त बेंजीन का रिंग, यहाँ पर बना दिए बेंजीन का रिंग। तो जब बेंजीन के रिंग पर लग जाए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप,
तो जब बेंजीन पर एल्डिहाइड लग जाता तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में बेंजल डिहाइड बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। अब यहां पर देखिए दोस्त, बेंजीन पर लगा हुआ एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, अगर देखिए दोस्त एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन, इसी सीनियर कार्बन को इनिशियल कार्बन बोलते हैं, इसी सीनियर कार्बन को हम रिफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। तो सीनियर कार्बन के अगल बगल वाले कार्बन को ऑर्थो पोजिशन बोलते हैं, अल्टरनेट कार्बन को मेटा पोजिशन बोलते हैं, और डायगोनली अपोजिट पोजिशन को दोस्त हम लोग पैरा पोजिशन बोलते हैं। तो सीनियर कार्बन के ऑर्थो, सीनियर कार्बन के अल्टरनेट पोजिशन पर लगा हुआ है ब्रोमो ग्रुप, अल्टरनेट पोजिशन को दोस्त मेटा पोजिशन बोलते हैं। यहाँ पर ये हो गया एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ है, तो तीन नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ मतलब मेटा पोजिशन पर मेरा ब्रोमो है। तो मेटा का सिंबल के दोस्त स्मॉल एम और हाइफन, बीआर के लिए लिख दी यहाँ पर दोस्त ब्रोमो, और बेंजीन पर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर लिख दिए बेंजल डिहाइड। तो जब बेंजल डिहाइड के मेटा पोजिशन पर ब्रोमो ग्रुप लग जाता है दोस्त, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता है मेटा ब्रोमो बेंजल डिहाइड। अब दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं, देखिए दोस्त जब बेंजल डिहाइड के मेटा पोजिशन पर दोस्त यहां पर लग जाता है मिथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है दोस्त मेटा मिथाइल बेंजल डिहाइड, मेटा मिथाइल बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त बेंजल डिहाइड के अगर मेटा पोजिशन पर सल्फोनिक एसिड लग जाता है, क्या लग जाता है दोस्त सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे देख दो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप और सल्फोनिक एसिड में सीनियर फंक्शन ग्रुप मेरा सल्फोनिक एसिड है, उन हालातों में एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप दोस्त बन जाता है ब्रांच। तो ब्रांच के लिए ब्रांच को दोस्त कॉमन नेम में लिखते हैं फॉर्माइल, तो दोनों में से सीनियर फंक्शन ग्रुप सल्फोनिक एसिड हो गया, तो सल्फोनिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, ये बन गया मेरा थर्ड कार्बन। तो तीन नंबर पर एल्डिहाइड है मतलब मेटा पोजिशन पर एल्डिहाइड लगा हुआ है, और एल्डिहाइड को ब्रांच के रूप में फॉर्माइल बोलते हैं। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगी दोस्त मेटा फॉर्माइल। बेंजीन का रिंग है दोस्त यहां पर लिख दिए बेंजीन, बेंजीन पर लगा हुआ है सल्फोनिक एसिड, तो यहां पर लिख देंगे दोस्त सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका दोस्त मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं दोस्त, नेक्स्ट कंपाउंड है दोस्त ये मेरा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल डिहाइड। अब देखिए दोस्त फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन पर दोस्त लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो थर्ड कार्बन को मेटा पोजिशन बोलता है, मेटा पोजिशन का सिंबल होता है दोस्त स्मॉल एम और हाइफन, तो मेटा पोजिशन पर नाइट्रो लगा हुआ है तो यहाँ पर लिखे दोस्त नाइट्रो, और बेंजीन पर एल्डिहाइड है, इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल डिहाइड, यहाँ पर लिखे दोस्त बेंजल डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में कॉमन नेम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का खत्म हो गया। तो दोस्त अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।